नीमच में चेन स्नेचरों का खौफ अब भी बरकरार है। विकास नगर में दो बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन झपटी और फरार हो गए। मामले में कैंट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नीमच में चेन स्नेचरों का खौफ फिर से पैदा होने लगा है। बाइक सवार चेन स्नेचरों ने एक बार फिर चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार दो चेन स्नेचर विकास नगर स्थित किराने की दुकान पर गुटखा खरीदने के बहाने महिला के करीब आए और महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही गले की सोने की चेन झपट कर भाग निकले। महिला ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वे हाथ छुड़ाकर फरार हो गए। सूचना पर कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया। विकास नगर निवासी मंजुला धीर ने बताया कि वह अपने भाई की किराने की दुकान के बाहर ही अखबार पढ़ रही थी। इतने में दो बदमाश ब्लैक पल्सर बाइक पर सवार होकर आए और गुटखा मांगने लगे। गुटखा देने के लिए जैसे ही वे दुकान में गई बदमाश भी पीछे पीछे दुकान में आ गए। बदमाशों को बाहर निकलने की कहा, इतने में ही बदमाश स्नेचर एक तोला सोने की चेन झपट कर भाग निकले। मंजुला धीर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका है। इस मामले में कैंट पुलिस का कहना है कि शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं। बदमाशों का जल्द सुराग लगा लिया जाएगा। आज सुबह 8:30 बजे की घटना है, विकास नगर 14/4। अपने भाई की शॉप पर मैं बाहर ही बैठी थी, मम्मी भी थी वहीं पर। दो लड़के बाइक पे आके रुके और उन्होंने दुकान से गुटखा मांगा और गुटखा मांगा तो बस गुटखा मांगते से ही वो छोटे दूसरे दरवाजे से पैसे देने के लिए अंदर आने की कोशिश करी। मैंने उससे बोला कि अरे अरे इधर कहाँ आ रहे हो तुम, पैसे देने दुकान के काउंटर से पैसे दो। तो बोले नहीं मुझे ये चाहिए और इतनी देर में ही उसने मेरे गले से झपट्टा मार के चेन लेके और मैंने उसको पकड़ा, बाएँ हाथ से पकड़ा और सीधे हाथ में मेरा अखबार था लेकिन वो हाथापाई करके छूट के भाग। कितने तोले की चेन? एक तोले की चेन। सीसीटीवी फुटेज में भी घटना है। हाँ, पुलिस उसी समय फ़ोन किया था हमारे पड़ोसी राघवेंद्र शर्मा ने, वो आए और मैं जोर से चिल्लाई, मेरी मम्मी थी वो भी जोर से चिल्लाई तो हमारे सामने रहने वाले सत्यनारायण अहिर भैया भी बाहर आए और उन्होंने भी उनको भागते हुए देखा लेकिन वो तीव्र गति से अपनी गाड़ी को चला के। स्नेचर कौन से बाइक से आए थे, क्या पहन रखा था? सफ़ेद शर्ट पहन रखा था एक लड़के ने और एक ने काला प्रिंट वाला शर्ट पहन रखा था। ज़्यादा उम्र नहीं थी, 19-20 साल के लड़के थे वो, लेकिन शहर में अपने ही घर के बाहर मतलब इस तरह की घटना घटती है तो महिलाओं की सुरक्षा पर एक अपन सोच सकते हैं कि आगे हम कैसे कुछ पहनना तो छोड़े लेकिन आगे और भी बड़ी घटनाएं भी घट सकती है। शहर में इस तरह की घटनाओं को रोका जाना चाहिए।